नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका नए वीडियो में। ये है टॉरस यानी वृषभ राशि की वीकली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर बात जो मैं इस वीडियो में आपसे कहूँ वो सबसे रेजोनेट ना करे, तो आप कोशिश मत करिएगा जबरदस्ती फिट होने की सिचुएशन में। एंड आप सन मून वीनस राइजिंग कैसे भी आप चेक कर सकते हैं इस इस हॉरोस्कोप, इस रीडिंग को। ऑल्सो आप जून में किसी भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि इट इज अबाउट एनर्जीज। तो मैं वीकली रीडिंग कर रही हूं, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तब दिस इज फॉर यू, बिकॉज दिस इज आर द मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फोर ऑफ कप्स एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसा रीसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आप खुश नहीं है, मतलब चीजें वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ तो लड़ाई झगड़ा भी आपके पार्टनर से हो सकता है हुआ हो, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या कुछ कुछ ऐसा हो रहा हो आपकी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आप मन ही मन में बहुत परेशान हो, आप मन ही मन में बहुत, आपको एंजाइटी हो रही हो, उलझन हो रही हो, और आप सोच रहे हैं कि इज इट इवन वर्थ, क्या मुझे होल्ड ऑन करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं इस वीक। बट आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, मतलब आपको जहाँ भी रीच होना है, आपको जहाँ भी पहुँचना है, अगर आप बाय चांस पैचअप करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं तो इस वीक आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको सोचना है, आपको यू हैव टू थिंक थ्रू, आपको बहुत अच्छे से चीजें सोचनी है, देखना है किसकी गलती थी, क्या गलती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज्यादा पिकी, इतने ज्यादा चूजी हो जाते हैं कुछ चीजों में कि हम भूल जाते हैं कि अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें या अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो चीजें सही हो सकती हैं। एंड वाइज इंसान वही होता है जो चीजों को एक्सेप्ट करे और फॉरगिव करना सीखे। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके मन का नहीं है, और अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आई एम नेवर सपोर्टिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। तो इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है, एंड ऑब्वियसली डिसलॉयल्टी, आई डोंट सपोर्ट दैट। लेकिन कई बार ऐसा होता है छोटी मोटी बातें हो गई होती हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, एंड हमें लगता है वो बहुत बड़ी बात है। बट जब आप उसको बैठ के सोचते हैं, आप अकेले में बैठ के चीजों को फ्लैशबैक में देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वी कैन मेक इट वर्क, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप उस पर काम करिए, प्लीज आप सोचिए कि क्या ऐसा है, क्या सिचुएशन है जो इम्प्रूव करी जा सकती है, क्या ऐसी चीज है जिस पे वर्क करके आप चीजें बेहतर कर सकते हैं। मैं अभी ये नहीं कहती हूँ कि एक्शन आप लो, आपकी तरफ हो सकता है कम्युनिकेशन आए, लेकिन उस तरीके से ना आए जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि द पर्सन विल कम एंड से सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमको हर्ट करा, बट होता क्या है कि पर्सन का कुछ ऐसा फॉरवर्डेड मैसेज आ गया, नाउ आप ज्यादा और हाइपर हो जाते हो, आप ज्यादा और आपको गुस्सा आने लगता है कि यार मतलब दिस पर्सन, इसको मेरे को सॉरी बोलना चाहिए, बट ये मुझे फॉरवर्डेड मैसेज क्यों भेज रहा है। बट आप ये समझो कि सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर नहीं है हिम्मत कि वो आपसे अपफ्रंट आके सॉरी बोले। ये एक बहुत ही दिस इज एन एग्जाम्पल, हो सकता है सबके लिए फिट ना बैठे ये एग्जाम्पल, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कई बार जब सामने वाला झुक रहा होता है तो उसको अपनी तरीके से झुका के आप
कुछ आपको हासिल नहीं होगा। अगर आपको समझ आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं या वो कोशिश कर रही हैं आपसे बात करने की, वो झुक रही हैं कहीं ना कहीं, उनका अपनी तरफ से एक छोटा सा स्टेप लेना ही ये क्लियर बताता है कि वो झुक गए आपके सामने। तो आप कदम बढ़ाओ, आप उनको एक्सेप्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ब्लेम गेम खेलोगे, तुमने ऐसा कहा मैंने वैसा कहा, ये इसका कभी एंड नहीं होता। क्योंकि आप पास्ट को जाके इरेज नहीं कर सकते हो, आप पास्ट को जाके इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द पास्ट, जो हो गया उसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो सकते। तो बेटर है जो है उस पे फोकस करके फ्यूचर का प्लान करा जाए। तो इस वीक आपको यही एडवाइस निकल के आ रही है कि अगर थोड़ा सा छोटा सा भी कम्युनिकेशन आता है तो आप उसको एम्ब्रेस करिए, आप उसके लिए खुश होइए। ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रिजिड मत हो कि नहीं आई जस्ट वॉन्ट दिस, इसमें ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको इजी होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नर्म होना पड़ेगा एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व फॉर श्योर होंगी। देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है आपके लिए। ऑल राइट, द चैरियट। सो चैरियट एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चले जिसकी वजह से आपके सामने मे बी दो रास्ते आए एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ये भी हो सकता है। थोड़े से मुझे ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं एंड मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मैं आई एम पिकिंग दिस मैसेज, कि आपके थोड़े बहुत वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, आपके कोवर्कर, आपके टीममेट एंड मे बी आपके क्लाइंट्स के साथ में हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ना बैठे इस वीक, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हैं। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा शांत रहें आप एंड चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, चीज़ों को सही तरीके से सोचें। एनीवे आपके लिए थिंक थ्रू करने का कार्ड आया है, आपको जो है आपके पास आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए एंड थोड़ा सा अपने टेम्पर पे इस वीक आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, स्पेशली आपके नियर एंड डियर वंस या फिर जिनसे आपको पैसा आना है आगे फ्यूचर में, उनसे आप कॉन्फ्लिक्ट होती अगर आपको नजर आ रही है, लग रहा है कि चीजें बढ़ रही हैं, तो बेटर है शांत हो जाइए। अपना ईगो, आपका एटीट्यूड, आपके आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा शांत हो जाइए। आपको चाहे जितनी भी अर्ज हो कि मैं सही हूं, आई वांट टू प्रूव इट, क्योंकि आप टॉरस राशि होते ही बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बैलेंस वाले हो, आपको चाहिए कि चीजें बिल्कुल सही फेयर होनी चाहिए। तो इस वीक आपको थोड़ा सा अपनी रिजिडिटी कम करनी पड़ेगी, सिर्फ फेयर होना है, सही होना है, न्याय होना है, इस पे मत फोकस करिए। थोड़ा सा इजी पीजी लीजिए इस वीक, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते दिखाई पड़ रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करिए। देखते हैं कार्ड ऑफ फोकस क्या है आपका। ओके, द सन, सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, थोड़ी सी मेरा गला खराब है। ओके, सो द सन का कार्ड है आपके फोकस प्लेस पे, फोकस कार्ड है आपका, मतलब बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अमेजिंग वाइब्स हैं एंड ऑलरेडी दो मेजर अरकानाज आ चुके हैं, तो चीजें पॉजिटिव एनीवे होनी ही होनी है आपकी लाइफ में। जो भी आपकी तरफ आ रहा है इस वीक डिसीजन लेने के लिए, या कोई कम्युनिकेशन छोटा मोटा आ रहा है, कोई छोटा मोटा प्रपोजल आ रहा है, कुछ बात हो रही है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड पे सोचना है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरी जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ वैसी ये चीज नहीं हो रही है एंड आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा आप नाराजगी है या आपको थोड़ा सा डिसहार्टन सा फील हो रहा है फोर ऑफ कप्स एनर्जी, तो आपको थोड़ा सा इजी लेना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें नर्म दिली से एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। क्योंकि द सन का कार्ड क्लियर बताता है कि आपका फोकस न्यू बिगनिंग्स पे होना चाहिए, आपका फोकस पॉजिटिव ब्राइट साइड पे होना चाहिए।
आपका फोकस होना चाहिए खुश रहने पे, आपका फोकस होना चाहिए आपके ऊपर, आपके लुक्स पे ध्यान दो, आपकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उस पे फोकस करिए। आप आगे आने वाले समय के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपका फोकस जहां पे जाएगा वो चीज ही आपकी तरफ आएगी। तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ब्राइट थिंग्स पे लगाना है। जहां भी आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती दिखाई पड़ रही है, आप वहां से हट जाइए, शांत हो जाइए, एंड चीजें आपके फेवर में इवेंचुअली होंगी ही होंगी, क्योंकि द सन का कार्ड क्लियरली कहता है कि आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, जॉय, ग्रेटिट्यूड की तरफ फोकस करेंगे। तो ये थी वीकली रीडिंग। पसंद आई तो लाइक करिए, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए एंड ज्वाइन द वाइब ट्राइब, एंड आई विल टॉक बैक सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।